नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे एक फिल्म के बारे में, नाम है ट्रायल पीरियड और ये फिल्म सीधे जियो सिनेमा पे रिलीज हुई है। डायरेक्टर है आलिया सेन। दोस्तों रिव्यू की शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे कि यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर ही कर लीजिएगा, क्योंकि वेब सीरीज और मूवीज के रिव्यू के साथ साथ आपको यहाँ मिलती है ओटीटी की दुनिया की हर जानकारी। तो शुरुआत करते हैं स्टोरी लाइन से और हम देखते हैं एना को, यानी जेनेलिया डिसूजा को, जो कि एक सिंगल मदर है। उनका एक बेटा है रोमी, और रोमी जब स्कूल जाता है अपने दोस्तों से मिलता है तो उनके दोस्त अपने अपने पिताजी का, अपने पापा का जिक्र करते हैं। वो बताते हैं कि उनके पापा सुपर हीरो हैं और रोमी को अपने पिता की कमी खलती है। तो इन लोगों के एक पड़ोसी हैं मामा जी, जिनकी भूमिका में आप देखते हैं शक्ति कपूर को, और मामी जी भी हैं यहाँ जो कि हैं शिवा चड्डा। और मामा जी को खरीदारी करने का भूत सवार है मामा जी पर। वो टीवी पे कुछ ऐड वगैरह देखते रहते हैं और अलग अलग चीजें ऑर्डर करते रहते हैं। यहाँ एक ऐसा चैनल है जो कि ट्रायल पीरियड के लिए चीजें देता है कि भाई आप चीज लीजिए, इस्तेमाल करिए, अच्छे लगे तो फिर खरीद लीजिएगा। और ये देख करके रोमी एक अलग ही डिमांड रख देता है। वो कहता है कि उसको भी एक पापा चाहिए, और अगर ना हो सके तो कम से कम ट्रायल पीरियड के लिए ही एक पापा मंगा लिए जाए। तो ये बातें जेनेलिया डिसूजा को थोड़ा हैरत में डाल देती हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं प्रजापति शंकर द्विवेदी को, जिसकी भूमिका में है मानव कौल, और ये नौकरी की तलाश में दिल्ली आए हैं। हालांकि वो टीचर है, लेकिन यहाँ अलग अलग तरह की जॉब अपॉर्चुनिटी वो सर्च कर रहे होते हैं। और फिर इन लोगों का जीवन एक जगह पे आकर के एक दूसरे से मिलता है, टकराता है, और फिर क्या होता है यही कहानी आप देखते हैं। दोस्तों इस फिल्म की जो कहानी है वो सिंपल है, लेकिन एक स्वीट सी कहानी है, ये एक क्यूट सी कहानी है। और यहाँ एक गंभीर बात भी है, वो बात है पेरेंटिंग के बारे में। जैसे कि जेनेलिया डिसूजा एक सिंगल पेरेंट है, वो अपने हिसाब से बहुत कोशिश करती है कि उनके बेटे को पिता की कमी न खले, लेकिन एक बच्चे के लिए माँ का प्यार जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है पिता का प्यार, पिता का साथ और उनका उनकी छांव। और यह चीज हम यहां बहुत ही अच्छे तरीके से देखते हैं, बच्चे को माँ भी चाहिए और बाप भी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों यहाँ प्रजापति और रोमी की जो केमिस्ट्री है वो अच्छी लगती है, और पेरेंटिंग की कहानी किस तरह से एक प्यार मोहब्बत की कहानी बन जाती है तो ये देखना भी अच्छा लगता है। तो दोस्तों इसकी जो कहानी है, जैसा मैंने कहा, एक सिंपल ही कहानी है, और ये जो कहानी है ये शुरू से ही प्रेडिक्टेबल है। आप एकदम शुरू में ही समझ जाते हैं कि आखिर तक क्या होने वाला है, और वैसा ही होता है। इसके प्रेजेंटेशन में भी आपको कई कमियां दिखती हैं, कई बार ये बहुत ढीली हो जाती है, कई बार ये स्ट्रेस्ड हो जाती है, कई बार ऐसा लगता रहता है जैसे आप कोई टीवी सीरियल देखते हैं। कुछ कॉमेडी के दृश्य जरूर हैं जो आपको थोड़ा रिलीफ देते हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे लगता है कि कन्वीनियंस के हिसाब से कर ली गई है, भले ही वो कितनी भी अटपटी हो। अब देखिए यहाँ जेनेलिया डिसूजा जो है उनके माता पिता दोनों ही बंगाली हैं, लेकिन जो मामा मामी है वो पंजाबी हैं। या फिर हम यहाँ देखते ही नहीं कि माँ बेटे के रिलेशनशिप में कोई ऐसा इमोशनल चीज आ रही हो या कोई बहुत ऐसी चीज आ रही हो जिस देख करके हमको अच्छी लगे। तो यहाँ जो ज्यादा फोकस है वो प्रजापति और रोमी के करेक्टर पर ही ज्यादा दिखता है, इसमें माँ बेटे का रिलेशन कहीं दब सा गया है। तो दोस्तों ये फिल्म एक एवरेज ही फिल्म है, लेकिन फिर भी ये देखने में अच्छी लगती है। यहाँ बच्चा आपको दिखाया गया, पेरेंटिंग की जो बात की गई है, और जिस तरह से एक बढ़िया नोट पे ये फिल्म चलती रहती है कई बार, वो आपको आकर्षक लगता है। मानव कौल है यहाँ, और उन्होंने तो महफिल लूट ली है। जबरदस्त अदाकारी है उनकी, जिस तरह का उनका कैरेक्टर है, जिस तरह के उनके एक्सप्रेशन है, बॉडी लैंग्वेज है, जिस तरह से वो बोलते हैं, वो सब कमाल के हैं।
जेलिनिया डिसूजा बहुत ज्यादा क्यूट लगी है, बहुत खूबसूरत लगी है, लेकिन अदाकारी में थोड़ा कम वो रह गई है, उनके एक्सप्रेशन उतने खुल करके सामने नहीं आए हैं। शक्ति कपूर हैं, शिवा चड्डा हैं, और कुछ देर के लिए आप गजराज राव को भी देखते हैं तो ये सब भी ठीक लगते हैं। इस फिल्म का जो बैकग्राउंड स्कोर है वो जबरदस्त है और कई बार दृश्यों को वो एलिवेट भी करता है। कुछ गाने यहाँ आपको दिखते हैं जो कि सिंपल है, फिल्म के हिसाब से ठीक कहे जा सकते हैं, वैसे याद रखने लायक नहीं है। तो 2 घंटे की ये फिल्म है, एकदम साफ सुथरी फिल्म है, और आप अपनी फैमिली के साथ अगर कुछ एंजॉय करना चाहते हैं तो इसको एक मौका दे सकते हैं। हालांकि बहुत एक्सपेक्टेशन आप नहीं रखिएगा, बहुत बहुत हाई लेवल की फिल्म, बहुत ही बेहतरीन फिल्म तो नहीं है, लेकिन एक ठीक ठाक फिल्म आप इसको कह सकते हैं। और इस फिल्म के लिए दोस्तों हालांकि मेरी रेटिंग एवरेज ही रहने वाली है, मेरी रेटिंग है 5 में से 2.5 की। तो दोस्तों आज इतनी ही बात, आपको ये रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा, और आपने अगर ये फिल्म देखी है तो भी मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। धन्यवाद।